हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं CB3 बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर में। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे सिलेबस और सजेशंस के ऊपर कि क्या क्या आ सकते हैं, कहाँ पे कौन से सेक्शंस में आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली हम जो पहले बात करेंगे वो है अबाउट द वेटेज के कौन से सेक्शन से ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस मिल सकता है, उसका वेटेज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो तो बेसिकली आपको कौन से सेक्शंस मोस्टली आपको प्रिपेयर करना है, और अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है तो आप कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। तो इस पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें आप ज़्यादातर फोकस कर सकते हो डिस्क्राइब और डिस्कस अ रेंज ऑफ टॉपिक्स रेलेवेंट टू वर्किंग एज एन एक्चुअरी इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज। तो ये जो टाइप्स ऑफ स्किल्स है ये आप जान पाएंगे, दैट कैन बी अक्वायर्ड टू बिकम अ कॉम्पिटेंट प्रैक्टिसिंग एक्चुअरी इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, इसका एक नॉलेज हो जाएगा आपको। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है डिस्क्राइब व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ अदर इंडस्ट्रीज कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज, देन डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज। यू कैन यू विल बी एबल टू डिस्कस द इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाई ईच मेन प्रैक्टिस एरिया, नेमली लाइक लाइफ, पेंशन, ये सभी जो एरियाज हैं, हेल्थ केयर एरिया, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सभी इश्यूज और चैलेंजेस को जो भी फेस करते हैं ये सभी आप आंसर कर पाएंगे। तो इसी तरह के टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादातर फोकस करना है किस पे, और यूनिट टू से आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं डेवलप अ प्रोसेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, डिफाइन अ पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एंड डिस्क्राइब हाउ टू कैरी आउट वन। इसके अलावा डिस्क्राइब द इंडस्ट्री वैल्यू चेन एंड हाउ टू अप्लाई इट, डिस्कस हाउ टू कॉम्बैट द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, डिस्कस हाउ अ कंपनीज कल्चर अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग, डिस्कस हाउ अ कंपनी स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, इस पे इन चीज़ों पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है। तो डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ क्लियर बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो ये चीज़ें तो आपका लाइक क्लियर आइडिया रखना ही है, क्लियर मिशन स्टेटमेंट, क्लियर बिजनेस स्ट्रैटेजी, बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क, ये तो नॉर्मल थियोरिटिकल बातें हो गया। तो जो आप लाइक डेफिनेटली आपको पता है एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इंटरेक्शन ऑफ वेरियस कंपनी फंक्शंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिंग क्लियरली, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको आपको जानना है। आपको आपको ऑलरेडी आइडिया है इन सभी क्वेश्चंस का। डिस्कस एटीट्यूड टू रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट यूनिट है मतलब यूनिट फोर से आपको कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, understand the requirements for a valid contract, next है identify when the counts will imply terms into contracts, calculate a basic award of damages, yes understand and at the basic level be able to explain the role of directors and shareholders within the company, basic level pe be able to explain the nature of partnership and the duties owned by partners to insiders and third parties, so ye bhi aapko janna hai. Next, state the important characteristics of a profession and its advantages to interested parties. ये इसका भी आपको knowledge रखना है. Next जो चीज़ important है वो है analyze the appropriate case studies relating to professionalism and ethics and present results of the analysis. तो ये सभी चीज़ों पे आपको ज़्यादातर focus करना है and इसी पे ही आपको question इन में से ही आपको questions मिलेगा, like इन topics में से इन इस type के आपको questions मिलेगा इन सभी subjects में से। तो आप इस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे क्लासेस का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक और जो भी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सभी वहाँ पर मैंशन किया गया है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए आप प्रेपरेशन ले रहे हो देन आप वो हमारे अंदर ले सकते हो। तो
अगर आपको लाइक स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा सो दैट यू कैन जस्ट प्रिपेयर वेल इन योर ओन एरिया. एंड यस, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वन टू वन सेशंस, इंटरेक्टिव सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल है. एंड स्टडी मटेरियल्स तो है ही. तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.